नमस्कार दोस्तों दोस्तों डोमेस्टिक व्हीकल केयर में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ब्रेक फ्लूड चेंज करेंगे और आपको मैं बता दूं कि ब्रेक फ्लूड हर 20,000 किलोमीटर पे चेंज करना होता है, यानी कि हर मेजर सर्विस पे इसको चेंज करना होता है। आइए देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। आपको करीब से दिखाता हूँ कि ब्रेक फ्लूड डलता कहाँ पर है। तो ये देखिए ब्रेक फ्लूड यहाँ डलता है, इसमें ये मार्किंग कर रखी है, इसमें मैक्सिमम लिखा हुआ है मैक्स, और यहाँ इसका मिनिमम का लेवल है, ये MIN लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें जो ब्रेक फ्लूड डलता है वो .3 का डलता है, ये देखिए ये .3 लिखा हुआ है। तो मैं .3 का ब्रेक फ्लूड लेके आया था, मैं लेके आया हूँ बॉश का .3 है ये, और ऐसी मैं 4 पैकिंग लेके आया हूँ, यानी करीब 1 लीटर लेके आया हूँ। ये 150 ml की है, 250 ml की है। फ्रेंड्स ब्रेक फ्लूड चेंज करने से पहले हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो इसको ब्रेक फ्री खड़ी करनी पड़ती है, यानी कि हैंड ब्रेक भी इसका हटा के ही खड़ी करनी पड़ती है। तो कोशिश ये करें कि सरफेस फ्लैट पर ही खड़ी करें इसको आप। मैंने इसको स्लोप पर खड़ी करी है, तो जब मैं इसका हैंड ब्रेक हटाऊँगा तो ये आगे की तरफ मूव करेगी। तो ये मूव ना करे इसके लिए हमें इसके आगे ब्रिक्स लगा देनी है। दोनों तरफ ब्रिक्स लग चुकी है, अब ये ब्रिक की इसको सपोर्ट मिल गई, आगे नहीं मूव करेगी। अब हम इसका हैंड ब्रेक हटाएंगे। न्यूट्रल खड़ी है गाड़ी, हैंड ब्रेक भी मैंने हटा दिया है। सबसे पहले जो ब्रेक फ्लूड चेंज होगा वो रियर लेफ्ट टायर का होगा, इस टायर का, क्योंकि जो ब्रेक पेडल के सबसे दूर वाला टायर है सबसे पहले हम उसका चेंज करेंगे, फिर उसके बाद जो दूर है और फिर उसके बाद जो दूर है, ऐसे करके हम सबसे लास्ट में ड्राइवर साइड वाले टायर का चेंज करेंगे। वैसे ब्रेक फ्लूड चेंज करने के लिए हमें किसी टायर को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही जैक पे खड़ी करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से इसको आप जैक पे भी खड़ी कर सकते हैं या टायर खोल सकते हैं। और अगर जैक लगाना नहीं आता तो तरीका मैंने आपको दिखा दिया है। जैक लग चुका है और टायर हमने लूज़ कर लिया था। अब टायर के नट खोल के टायर बाहर निकाल लेंगे। टायर खोलने के बाद इसके पीछे जो नट होता है लगा हुआ, वो कहाँ से खोलना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैप लगी हुई है, कैप को हम हटा लेंगे। तो देखिए कैप हटाने के बाद यहाँ से हमारा ऑयल बाहर आएगा और ये इसका नट लगा हुआ है 8 नंबर का, ये इसको हम लूज़ करेंगे तो इसमें से ऑयल आना शुरू हो जाएगा। तो ये ऑयल हम एक बोतल में इकट्ठा कर लेंगे। अगर ये ऑयल कहीं बॉडी पार्ट पे या कहीं भी गिरता है तो ये पेंट को ख़राब कर देता है, इसलिए हमें कहीं गिरने नहीं देना इसको। तो ये ना गिरे इसलिए हमें यहाँ एक छोटी पाइप लगा लेनी है। इसके थ्रू जो ऑयल आएगा वो हम बोतल में इकट्ठा कर लेंगे। हम 4 से 5 बार पैडल को प्रेस करके प्रेशर बना लेंगे। ये टाइट हो गया और प्रेस नहीं हो रहा, प्रेशर पाइप के अंदर बन चुका है। जैसे हम नट खोलेंगे तो ऑयल आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, जब पैडल वहाँ से प्रेस करेंगे तो इसमें ऑयल आता जाएगा धीरे धीरे, और ये यहाँ पैडल प्रेस कर रहा है धीरे धीरे। ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी इसमें, धीरे धीरे प्रेस करना है। और जैसे जैसे पैडल प्रेस हो रहा है इसमें यहाँ लेवल कम होता जा रहा है। देखिए इसमें लेवल यहाँ तक पहुँच गया, काफ़ी कम हो गया है। और जब ये मिनिमम पे पहुंच जाएगा, यानी कि थोड़ा और पीछे चला जाएगा, तब इसमें मैं उस बोतल से टॉप अप करना शुरू कर दूंगा। करीब 250 ml इसमें हमने टॉप अप कर दिया है और करीब इतना ही हमने इधर बोतल में कलेक्ट कर लिया है। ये देखिए पुराना ऑयल येलोइश कलर का था और नया ऑयल रेड कलर का है, तो बोतल में थोड़ा सा रेड कलर का ऑयल भी आना शुरू हो गया था। इसका मतलब पुराना ऑयल
पूरा का पूरा ड्रेन हो चुका है। अब इस पैडल को पूरी तरह प्रेस करके उस नट को वापस टाइट कर देंगे। पैडल को दबा रखा है और अब यहाँ हम नट को टाइट कर देंगे। ज़्यादा जोर लगा के टाइट बंद कर देंगे तो ये टूट भी सकता है, और ज़्यादा लूज़ करेंगे तो लीकेज भी हो सकती है। तो अपने हिसाब से थोड़ा सा टाइट कर दीजिए इसको, इतना काफ़ी है। थोड़ा बहुत ऑयल जो लीकेज होके आया है उसको साफ़ कर देंगे। पाइप को निकाल के इसकी कैप वापस लगा देंगे। इस टायर का ब्रेक ऑयल चेंज हो चुका है, अब हम रियर राइट वाले का चेंज करेंगे। रियर राइट टायर का भी रियर लेफ्ट टायर की तरह ही चेंज होगा, कोई इसमें अलग चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया। और वैसे चारों टायरों का भी सेम सा ही प्रोसीजर होता है, तो मैं आपको फ्रंट लेफ्ट का और बता देता हूँ एक बार, उसी तरह से आप फ्रंट राइट का भी चेंज कर लेना। फ्रंट टायर का ब्रेक ऑयल चेंज करना रियर वाले टायर से भी आसान होता है। जिस भी टायर का आपको चेंज करना है उसी डायरेक्शन में आप टायर को पूरा मोड़ दीजिए और आसानी से हाथ डाल के आपका काम चल जाएगा। प्रोफेशनल मैकेनिक्स भी ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन मैं आपको सही से दिखाने के लिए टायर को खोल रहा हूँ। हमने इसका फ्रंट टायर भी खोल लिया है। ये इसकी कैप है और ये 10 नंबर का इसके पीछे नट है। इसमें भी पाइप जोड़ लेंगे, जोड़ के बोतल में लगा देंगे। पैडल प्रेस करना 4-5 बार, करते करते पूरा करते। पैडल प्रेस करने के बाद इसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद जैसे जैसे पैडल प्रेस करेंगे तो इसमें ऑयल आना शुरू हो जाएगा। कम हो गया लेवल इसका, इसमें हम और टॉप अप करेंगे। ऑयल बिल्कुल रेड हो चुका है, इसका मतलब नया ऑयल आ गया है इसमें। अब पैडल को पूरा प्रेस करके और नट को वापस टाइट कर देंगे। आगे वाले दो या फिर चारों टायरों का ब्रेक ऑयल चेंज करने के बाद अगर आप गाड़ी से कहीं भी जाके आते हैं तो एक बार आने के बाद आप चेक कर लें कि ब्रेक ऑयल का लेवल कहीं कम तो नहीं हो गया है। अगर वो कम हो गया हो तो उसको टॉप अप कर लें और उसको मैक्सिमम मार्किंग तक ही रखें। आज जो हमें टूल की ज़रूरत पड़ी है, ये एक 8 नंबर की चाबी थी और एक ये 10 नंबर की चाबी थी। और अगर जैक लगाना है, टायर खोलने हैं, तो वो टूल गाड़ी के साथ आता ही है। करीब करीब 750 ml यानी 750 ml हमारा कंज्यूम हुआ है आज, और मैं 4 बोतल लेके आया था। ये वाली, इसका MRP 86 रुपये लिखा हुआ है, बट ये मैं 50 रुपये में लेके आया हूँ। एक यानी 200 रुपये की 4 लेके आया था, 1 लीटर लेके आया था मैं। इसमें से एक ये मेरी फुल भरी हुई बच गई है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। 750 ml में मेरा पूरा काम चल गया है। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये एवरी 20,000 किलोमीटर पे इसको कम्प्लीटली चेंज करना होता है, तो अगर हम चारों टायरों का ना चेंज करना चाहें और सिर्फ आगे वाले दो टायरों का भी अगर 20,000 पे चेंज कर देते हैं तो सफिशियंट होता है, और इसमें करीब आपका आधे लीटर ब्रेक फ्लूड में आपका काम चल जाता है। और हर 20,000 पे आप आगे वाले दो टायरों का चेंज कर लीजिए और 40,000 पे आप चारों टायरों का चेंज कर लीजिए, तो इससे भी आपका काम अच्छा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती कभी भी कोई। फ्रेंड्स, ये था ब्रेक फ्लूड चेंज करने का सही तरीका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।